हेलो एंड वेलकम टू एचएम हॉबिस्ट फ्रेंड्स, आज हम फिर से आए हैं दिल्ली के रजौरी गार्डन में लोकेटेड न्यू फ्रेंड्स फिश एक्वेरियम शॉप में। फ्रेंड्स, आज यहां पर फिशेस का कुछ स्टॉक आया हुआ है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। साथ ही आपको बताता चलूं, शॉप ऑनर से मिलकर हम उन सभी फिशेस का प्राइस भी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के शॉप ओनर मिस्टर नीरज जी से और जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से फिश आई हैं और क्या इनका प्राइस है। नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज आपको मैं अपनी शॉप पे जो नया फिश का स्टॉक आया है मैं आपको वो दिखाता हूँ आज। आइए तो सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा टैंक दिखाता हूँ जो कि हमारी दुकान की शान है। 5 फीट का टैंक है जिसमें ऑस्कर की वैरायटी है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि कितने एक्टिव और हेल्दी ऑस्कर हैं, बहुत ही प्यारे। इनमें कौन कौन से ऑस्कर आप बताएंगे जरा? जी, इसमें ये कॉपर ऑस्कर है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका साइज है। लगभग ये 5 इंच के आसपास है, 5.5 इंच के आसपास है, ठीक है। जो कि इसका जो पेयर है वो अपना 800 रुपये का पेयर है, ठीक है। ये रिटेल प्राइस बता रहे हैं? हाँ, ये रिटेल प्राइस है और ये आज आया है। आज से लगभग हफ्ता 10 दिन जो भी रहेगा तब तक का रेट है, उसके बाद रेट बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ठीक है। स्टॉक जैसा आएगा, जैसा स्टॉक आएगा वैसा रेट होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये आई एम आई फायर ऑस्कर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, एल्मिनो फायर ऑस्कर कह सकते हैं इनको। ये दिख रहे हैं आपको सारे, ये इनका क्या साइज और क्या प्राइस होगा? हाँ, ये जो है लगभग 4.5 इंच के आसपास है, उससे बड़े ही है 4.5 इंच के आसपास, और इनका जो पेयर है वो 700 का है, 700 रुपये का पेयर है, ठीक है, ठीक है जी। इसी में मेरे पास छोटे ऑस्कर थे जो कि एक ही बचा है मेरे पास, टाइगर ऑस्कर, ये देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेड में है टाइगर ऑस्कर। अच्छा, क्योंकि इस वक्त 225 ईच है ये, ठीक। इसके साथ में ही शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न देख सकते हैं आप, ये वाली, हाँ जी, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी इसके साथ का पीछे पेयर है जो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अगर कोई पेयर लेना चाहेगा तो उसको ये वाला जो है 600 का पेयर मिल जाएगा, ठीक। क्या साइज है इसका इस वक्त? जो बड़ी वाली है वो मान सकते हैं 3.5 इंच के आसपास है, ठीक है। और इसी में एक थाई सिल्क भी है हमारे पास, ये थाई सिल्क है हमारे पास, इसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत है, पीछे आप देख सकते हैं उसको, ये आएगी सामने जी जी। इसका लगभग साइज जो है 3.5-4 इंच के आसपास है, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी मूवमेंट बहुत बहुत खूबसूरत है, ये फिश ये आपको लगेगी 600 ईच। शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन थाई सिल्क, थाई सिल्क, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट टैंक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा टैंक है 3.5 फीट का, जिसके अंदर में चिकलेट की वैरायटी रखी हुई है जो कि अफ्रीकन चिकलेट है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए 5 कलर है, 5 कलर, बहुत ही खूबसूरत, ओके। और उसके साथ में इसमें रेड कोडांग है, ओके, ये रेड कोडांग, हाँ ये रेड कोडांग देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। और इसमें जो है ग्रीन टेरियर फिश भी है, ब्लू डॉल्फिन है, ये जा रही ब्लू डॉल्फिन, ये जा रही है आपके सामने जी जी, बहुत ही खूबसूरत है। ऑरिटेस है, येलो कलर की ऑरिटेस जी जी, और इसमें पाउडर ब्लू है और बनाना चिकलेट्स भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत है। उसमें मैंने कुछ ये रेनबो शार्क डाली हुई इसके, ठीक है। क्या क्या प्राइस? रेनबो रेट्रो शार्क है जो 5 स्पोर्ट है, जो बड़े कलर के बड़े साइज के जो हैं, जिसका हाँ, साइज लगभग 3 इंच प्लस है, ठीक है। ये वाला जो है ये 500 का पेयर है, ठीक है। और इसी के साथ ही ब्लू डॉल्फिन है, ब्लू डॉल्फिन जो है वो 450 का पेयर है जी, ठीक है। और इसी में ही वो है ग्रीन टेरियर देख सकते हैं पीछे, बहुत खूबसूरत है, पूरा माउथ पेन का डिजाइन बनता है ये रे पीछे, ठीक है सर। हाँ, इसका क्या प्राइस होगा? ये 500 का पेयर है जी, ग्रीन टेरियर 500। हाँ, और बाकी जितने भी इसमें छोटे दिख रहे हैं आपको, हाँ, ये रेनबो शार्क छोड़ के सारे जो है वो 150 का पेयर है, ठीक। तो इस टैंक में बताइए कौन कौन से फिशेज हैं जी? इस टैंक में मेरी शॉप की फिलहाल शान है ये, जिसे कहेंगे, जो कि लगभग 13-14 इंच की टाइगर शार्क देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है, बहुत रेयर होता है ये। और ये मेरे पास है, एक पेयर इसका रखा हुआ है, इसके अंदर नाइफ फिश दिख जाएगी आपको, नाइफ, इसके अंदर आपको कोई कार्प दिख जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की कोई कार्प है जी जी, और मिल्की कोई कार्प है इसके अंदर, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा, एक एक करके बताइए जी। जो ये शार्क का पेयर है सर, नॉट फॉर सेल है ये। अच्छा, ये नॉट फॉर सेल जी। इनका साइज कितना है? साइज सर ये जो है लगभग 14 इंच के आसपास है, एक 12 इंच की है, एक 14 इंच की, देख सकते हैं आप पूरा। हाँ, बहुत ही बड़ा साइज है, जनरली इतना बड़ा साइज मिलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलता जी। और बाकी जो मिल्की कार्प है वो जो है 150 का पेयर है, ठीक है। और नॉर्मल जो कार्प है वो 180 का पेयर है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर नाइफ है वो 150 का पेयर है, नाइफ 150 का पेयर, हाँ जी। तो नेक्स्ट टैंक की तरफ चलते हैं जी। ये मेरा 1.5 फीट का टैंक है जी, जिसके अंदर मैंने एल्विनो पाकू, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खुशानदार है,
हाँ अल्बाइनो पाकू है इसके अंदर मेरे पास, ठीक है, जिसका साइज लगभग 3 इंच के आसपास है और बहुत ही खूबसूरत है ये। आप देखेंगे तो ऐसे लाइव देखेंगे तो और खूबसूरत लगेगी जी। और टेम्फिल है मेरे पास, एक ही बचा है और एक इसके अंदर सिल्वर डॉलर है, ठीक है। जो अल्बिनो पाकू है ये मात्र 200 का पेयर है, और पेयर ठीक है, और जो सिल्वर डॉलर है वो 150 ईच है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस फिश के बारे में बताइए। सिल्वर अरवाना नाम है इसका, जिसके जो साइज है लगभग 10.5-11 इंच का साइज है इसका, ठीक है। और अभी मेरे पास 2 पीस आए थे, एक मैंने सेल कर दिया है, अभी ये एक रखा हुआ है फिलहाल मेरे पास, ठीक है। प्राइस कितना था इसका? जी ये अपनी 2000 रुपये की है ये। हाँ हाँ। और इसका पैटर्न और कलर बहुत खूबसूरत है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हाँ। और ज़्यादा भी होती है और कम रेट की भी होती है, साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। हाँ। जो कि 2000 के हिसाब से इसका बहुत अच्छा साइज और कलर है फिश का। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें कलर भी अच्छा है और पैटर्न तो है ही अच्छे। हाँ, स्केल्स पे भी इसमें कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ जी, स्केल्स में देखिए कितना सुंदर आ रहे हैं, और जब ये मूव करती है तो अलग ही इसका, ये देखिए एक बिल्कुल जी अलग इसका बिल्कुल एक वो आता है, उभर कर आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। हाँ, इसमें मेरे पास रेड पैरेट है और येलो पैरेट है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक ग्रेड की फिश है ये, ठीक है, और थाईलैंड इम्पोर्ट फिश है। देखिए पूरे इसके कलर पूरे आ रखे हैं, कोई भी कलर में इसकी बॉडी पे पैचेस नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए। हाँ ठीक है। क्या प्राइस होगा येलो पैरेट का? येलो पैरेट का 1000 रुपीज़ का पेयर है, ठीक है। और जो रेड पैरेट है उसका? रेड पैरेट का 800 का पेयर है जी, ठीक। तो इस टैंक के बारे में बताइए कौन कौन सी फिशेज है इसमें? जी इसमें कलर टेट्रार्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, नियॉन कलर भी है, पर्पल है, ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत कलर के टेट्रार्स हैं इसके अंदर, जो कि आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको भी जी। और पूरे टैग में डालते ब्लैक पोस्टर लगवा के, तो इसका अलग ब्यूटी अलग खूबसूरती आती है इसकी, ठीक है। और इसी के साथ इसमें पर्ल ग्रामी, ये पर्ल ग्रामी है जी, ठीक है। क्या प्राइस होगा इसका? जी जो पर्ल ग्रामी है वो इस वक्त मेरे पास 200 का पेयर है, ठीक है। और जितनी भी टेट्रास आपको दिख रही हैं ये सारी टेट्रास जो है वो 150 का पेयर है। अच्छा, तो टेट्रास 150 का पेयर है और ये 200 का, 200 का पेयर, ठीक है। 200 का पेयर ही आपको पर्ल ग्रामी यहाँ पे मिल जाएगा जी। इस टैंक के अंदर मेरे पास रेड कैप्स है सारी, और अच्छी रेड कैप है, बहुत सुंदर रेड कैप है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या साइज होगा इनका? जी इनका साइज लगभग 2.5 इंच के आसपास, 2.5-3 इंच है, ठीक है। और कुछ इसमें ब्रास के पीसेस भी हैं, ठीक है, कॉपर गोल्ड जिसे कहते हैं हम लोग जी जी। हाँ, रेड कैप भी है और कॉपर गोल्ड भी, आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट, इनकी एक्टिविटी बड़ी खूबसूरत है, मतलब और सारी हेल्दी फिशेज हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी फिशेज। क्या प्राइस होगा? ये वाला जो है 150 का पेयर है ये वाला, ठीक है। और कॉपर वाला? कॉपर वाला 100 रुपीज़ का पेयर है इसके अंदर, ठीक। इसके अंदर मेरे पास एंजल फिशेज हैं, ठीक है, जिसमें ब्लू एंजल है, आप देख सकते हैं स्ट्राइप वाली है ये ब्लू एंजल, हाँ हाँ दिख रही होंगी आपको, बहुत ही खूबसूरत है जी जी। बहुत सस्ती है, 150 का पेयर है। उसके बाद डायमंड एंजल है, बड़े बड़े 4-5 पीस है इसके अंदर, देख सकते हैं आप, हाँ हाँ। और ये भी बहुत खूबसूरत है और इसका साइज भी लगभग 3 इंच प्लस है, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत है। ये जो है ये वाला जो है 300 का पेयर है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली है ये मार्बल एंजल इनका? हाँ ये मार्बल एंजल जो एक, ये 5 पीसेस हैं टोटल मेरे पास फिलहाल इस वक्त, ठीक है। ये 300 का पेयर है, ब्लू एंजल ये दिख रही होगी आपको, जिसपे स्ट्राइप बने हुए हैं जी, 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 ये वाला 150 का पेयर है ये वाला, ठीक। ये गोल्ड फिश है, हाँ हाँ। और इनका साइज जो है लगभग 2.5 इंच के आसपास है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है 150 का पेयर है इसका, ठीक। इस टैंक के बारे में बताइए कौन कौन सी फिशेज हैं इसमें? जी इसमें जो है ये मेरा मौली का टैंक है, जिसके अंदर टाइगर बार्ब है, काफ़ी अच्छे साइज़ की है, लगभग 1 इंच प्लस है, 1.5 इंच के आसपास टाइगर बार्ब है इसके अंदर, ठीक है। और लगभग 1 इंच की 1.25 इंच की मौली है इसके अंदर, देख सकते हैं आप, मौली प्लैटी ग्रीन मौली ये सब कुछ है इसके अंदर, दिखा सकते हैं आप, हाँ जी हाँ जी। और रेड शॉटल भी है इसके अंदर। तो टाइगर बार्ब जो है, टाइगर बाप का क्या प्राइस? हाँ टाइगर बाप जो है वो 80 का पेयर है, ठीक है। और जो मौली है वो इसमें 50 का पेयर है, ठीक। इस टैंक में बताइए कौन कौन से फिशेज हैं? जी इसके अंदर है मेरे पास गोल्डन ग्रामी, गोल्डन ग्रामी ये वाली, हाँ जी गोल्डन ग्रामी है, ब्लू ग्रामी है, ठीक और है। किसिंग ग्रामी है, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत फिश है। क्या साइज और क्या प्राइस होगा इन सभी जी फिशेज का? जनरली इसमें जो फिशेज हैं ग्रामीज की लगभग ये सारी 2.5-2.5 इंच की है, और इनका जो पेयर है 100 का पेयर है, ठीक है ठीक है। और जो इसमें एल्बिनो शकर कैट है वो 150 का पेयर है, ठीक है। तो गोरामी इनमें से कोई सी भी ले वो 100 रुपीज़ पेयर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई किसिंग ले सकते हैं, गोल्डन ग्रामी ले सकते हैं, ब्लू ग्रामी ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक। इसके अंदर जो है वो शेवरम है, बहुत ही खूबसूरत फिश, बहुत ही अच्छी फिश है शेवरम,
आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक्टिव है। और उसके साथ में एक ये ब्लैक चिकलेट्स हैं जिसको सार्जेंट मेजर भी कहते हैं जी, शेवरम के जैसी होती है। ये भी खूबसूरत फिश है, बहुत ही अच्छी। इनका लगभग पौने दो, डेढ़ पौने दो इंच का साइज है इनका, ठीक है। और ये 200 का पेयर है, चाहे ब्लैक लो या वाइट। हाँ जी, कोई भी ले लीजिए, 200 का पेयर है। इसी के साथ इसके अंदर मेरे पास कैट फिश भी है जो कि वो छुपी हुई है, देखिए थोड़ा भाई बाहर खाना खाने के लिए, बहुत खूबसूरत है, देख रहे हैं कितनी इसकी मूवमेंट। हाँ जी, जी, जी। ये और भी वहाँ छुपे हुए स्टोन के अंदर देख सकते हैं आप। जी जी जी। इनका क्या प्राइस होगा? ये 150 का पेयर है जी। ठीक जी। इसमें मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, जो कि लगभग 1.25 इंच के आसपास गोल्ड फिश है, बहुत ही खूबसूरत है, एक्टिव है, अच्छी। और ये सिर्फ 50 रुपये का पेयर है। 50 रुपये कॉमन गोल्ड फिश है। हाँ जी, हाँ जी, कॉमन गोल्ड फिश है, 50 का पेयर है। ये वाली जो गोल्ड फिश है ये थोड़ी अलग है क्या? जी ये थोड़ी उससे अलग है, ये ज़्यादा रेड गोल्ड है और साइज से थोड़ा सा इंक्रीज है, बड़ा साइज है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। हाँ ये 100 का पेयर है, इसी में ब्लैक मोर है, ये भी 100 का पेयर है। ठीक। इसके अंदर जो है मेरे पास, इसको ब्लू गोल्ड भी कहते हैं और शुभनकिन गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत है। ये भी बाहर की फिश है, बहुत सुंदर है। और ये जो है मेरे पास, इसका साइज जो है लगभग 4 इंच के आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट भी बहुत अच्छी है। और ये 250 का पेयर है मेरे पास। 250 का पेयर? यस। इसके अंदर मेरे पास कोई कार्प्स हैं और मिल्की कोई कार्प्स हैं, स्मॉल साइज में। हाँ स्मॉल साइज में है, लगभग 2 इंच के आसपास है सारे, ठीक है, और बहुत ही अच्छी फिशेज हैं, आप देख सकते हैं इसको, क्या साइज, खूबसूरत ही बहुत है। ये लगभग 2 इंच के आसपास है। और प्राइस? प्राइस जो है वो 80 का पेयर है। 80 का पेयर। इस टैंक में मैं शुभनकिन देख रहा हूँ, ये साइज छोटा है क्या इनका? हाँ साइज छोटा है, थोड़ा सा ब्रीड भी इसकी थोड़ी सी उससे कम है। अच्छा, लेकिन ये भी, हाँ ये भी लेकिन खूबसूरत फिश है, अच्छी है। हाँ हाँ। और बहुत सस्ती है। क्या प्राइस होगा? ये जो है 150 का पेयर है। तो इस टैंक में मैं देख रहा हूँ शार्क्स रखी हुई है आपने, स्मॉल। हाँ जी सर, हाँ जी, इसमें मेरे पास शार्क्स हैं, टाइगर शार्क, जो कि लगभग 2.25 इंच की है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश है और एक्टिव है बिल्कुल। क्या प्राइस होगा इनका? इसका 50 रुपीज़ का पेयर है। 50 रुपीज़ पेयर। हाँ जी। इसके अंदर मेरे पास टेम्पल बार्ब है, ठीक है, आप देख सकते हैं टेम्पल बार्ब कितनी अच्छी मूवमेंट कर रही है। हाँ हाँ, ये ऊपर जो छोटी वाली। हाँ जी, हाँ जी, टेम्पल बार्ब बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और इसके साथ में मेरे पास किसिंग गोरामी है, बहुत ही अच्छी ग्रेड की फिश। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं कि पूरे झुंड में है किसिंग गोरामी, ठीक है। और टेम्पल बार्ब जो है लगभग 2.5 इंच के आसपास है, ठीक है। और इसमें कुछ एल्विनो टेम्पल बार्ब भी है, जैसे व्हाइट वाली देख सकते हैं, इसकी रेड आइज होती है। ये भी है मेरे पास, नॉर्मल टिफिल बार जो है जो दिख रही है सिल्वर कलर की। हाँ। ये 50 का पेयर है और वो 80 का पेयर है एल्विनो, ठीक है। और किसिंग रामी जो है वो 150 का पेयर है। 150 का पेयर। किसिंग का साइज कितना होगा? किसिंग का जो साइज है लगभग 4 इंच प्लस है जी। ठीक। इस टैंक के बारे में बताइए, बड़ा खूबसूरत सा आपने टैंक बनाया हुआ है। जी हमने आजकल जो प्लांटेड टैंक चल रहे हैं नेचुरल प्लांट के, लाइव प्लांट के, उसी को देखते हुए हमने आर्टिफिशियल प्लांट सेटअप बनाया है। ये सारे प्लांट आर्टिफिशियल है। ओके। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसको बनाया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इसको देख के हमारे कई कस्टमर ने ऐसा सेटअप हमारे से बनवाया है, ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेरे पास फिशेज हैं वो एल्विनो टेट्रा है, देख सकते हैं आप, ठीक है, और गप्पी है, सिंगापुरी गप्पी है। अच्छा, ये जो गप्पी है जी, और पीछे इसमें पर्पल वीडो भी थी जो कि अभी एक ही पेयर मेरे पास बचा है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा साइज है, लगभग 1.5 इंच का है वो, देख सकते हैं। तो इनका क्या प्राइस होगा? जी जो एल्विनो टेट्रा है ये देख सकते हैं आप, ये 80 का पेयर है, ठीक है, और गप्पी जो है वो 70 का पेयर है। अच्छा, ये जो गप्पीज है ये 70 का पेयर है। जी जी जी। तो नीरज जी, इस टाइप में मैं देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत गोल्ड फिशेज रखी हुई है आपने। जी जी जी। क्या साइज और क्या प्राइस होगा इन फिशेज का? जी 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 जी। ये जो गोल्ड फिश है, इसमें कुछ गोल्ड फिश मेरे पास पहले का स्टॉक था, ठीक है, जो कि लगभग 5.5 इंच की थी। ये बड़ी बड़ी दिख रही है डॉल्फिन गोल्ड फिश है सारी की सारी। जी, जी, जी। और कुछ आज जो नया स्टॉक जो आया ये इसमें देख सकते हैं, और इसमें ओरिंडा रेड कैप भी है। ये ओरिंडा रेड कैप देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिटिंग ले रही है। जी, जी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 3 ब्रीड है मेरे पास, गोल्ड फिश, डॉल्फिन जो बड़ी गोल्ड फिश दिख रही है आपको, एक गोल्ड फिश मीडियम है और एक ओरिंडा रेड कैप है, ठीक है। क्या प्राइस होगा इनका? जी जो बड़ा वाला गोल्ड फिश दिख रहा है आपको, बिल्कुल बड़ा वाला, वो 250 का पेयर है, ठीक है, और जो ओरिंडा रेड कैप दिख रहा है वो 300 का पेयर है। बहुत ही चीप रेट है, बिल्कुल कम से कम रेट है। और इसके अंदर जो नॉर्मल छोटी गोल्ड थोड़ी साइज की है वो वाला 200 का पेयर है। ठीक। इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी आपने बेटा रखी हुई है। हाँ जी सर, बेटा है इसके अंदर मेरे पास, और ये 6 इंच का बाउल है। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत इसका फैदर दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत है। जी मैरून कलर की बेटा है, बहुत ही सुंदर है। जी जी जी। और इसमें मैंने 8 इंच के बाउल में भी रखी हुई है बेटा फिश, ब्लू कलर की है, उसके अंदर भी है। ठीक है।
और मैं सभी को वैसे अपने व्यूवर हैं आपके मेरे कस्टमर भी, उनको कहूँगा कि कम से कम इतने बड़े बाउल में एक बीटा रखें आप कम से कम, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और माइंड भी रिलैक्स होता है इसको देख के। जी 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 जी। और दो रखना चाहें तो इसको फिर अलग से बाउल में रखना पड़ेगा आपको, या फिर एक बीटा बॉक्स आता है जिसमें दो रख सकते हैं हम। अभी हम मूवी दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है, इसमें लाइट वगैरह लगी हुई देख सकते हैं आप जैसे। हाँ, ये सेटअप अच्छा लगा जिसमें हम बेटा को कुछ इस तरह से रख सकते हैं और लाइट भी इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ सर, लाइट इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है, ये काफ़ी हमने बेची है, अभी काफ़ी कस्टमर इसकी डिमांड कर रहे हैं। एक छोटी सी स्लीक सी लाइट है, बहुत सुंदर, और एक बेटा फिश के अंदर रखी है, देखिए कितना इसका कलर कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर। क्या प्राइस होगा इस बेटा का? सर ये वाले जो बेटा है ये 200 ईच है, ठीक है। और नॉर्मल बेटा जो आती है वो लगभग 100 से स्टार्ट हो जाती है, क्राउन बेटा जो होती है 150 की होती है, जो क्राउन बेटा भी है मेरे पास के अंदर। अच्छा अच्छा, ये वाली। हाँ जी, ठीक है। और अगर किसी को ये पूरा सेटअप लेना हो जो आपने बनाया हुआ लाइट के साथ, ये कितने का पड़ जाता है? जी लाइट के साथ ये पड़ जाएगा हमारे को लगभग 450 के आसपास। 450 के आसपास, बेटा भी, बाउल भी और ये लाइट, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, सिर्फ 450 का मात्र। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो न्यू फ्रेंड्स फिश एक्वेरियम शॉप का। जैसा कि आपने देखा, शॉप के अंदर काफ़ी अच्छी फिशेस आई हुई हैं और काफ़ी बढ़िया कलर्स के साथ भी आई हुई हैं। इन्होंने मुझे बताया कि अभी इनका और भी स्टॉक आना है जो कि जल्दी ही आ जाएगा। सो जैसे ही इनका और स्टॉक आएगा हम एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो इनके फ़िश टैंक से रिलेटेड भी बनाने वाले हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी के फ़िश टैंक्स भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ़िश फूड भी काफ़ी अच्छी वैरायटी में मिल जाता है, अलग अलग तरह के फ़िश फूड, चाहे आपको टर्टल्स के लिए लेना हो या फिर आपको फ़िशेज़ के लिए लेना हो, सभी तरह के फ़िश फूड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रांड के फ़िश फूड्स भी मिल जाते हैं, बड़े पैकेट्स भी आपको मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और छोटे पैक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हाई क्वालिटी के प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो न्यू फ्रेंड फिश एक्वेरियम शॉप का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप इनके दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।